का सी नंबर देखो, सी में भी आपके पास बहुपद है, इसको भी पी एक्स मान लो, एक्स का पावर 6 माइनस का एक्स का पावर 5 प्लस का एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, यही ना दिया है, कह रहा है कि एक्स माइनस 1 इसका गुणनखंड है, एक्स माइनस 1 बराबर 0 यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा, तो पी 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 5 प्लस 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यह 1 या माइनस 1 या प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, यही ना आएगा आपका। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपका देखो ना ये सिंपल, ये से ये कट जाएगा, ये से एक्स कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा। एक्चुअल में यह गुणनखंड नहीं होगा, आपके क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए था ऐसा, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए एक्स माइनस 1 बहुपद, बहुपद जो हमारे पास पी एक्स दिया है, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। एक बार मिला लेते हैं, क्वेश्चन में गलती दिया है शायद, एक्चुअल में इसमें सिद्ध करना है, इसका आंसर आपका नहीं देगा, ये सब होना चाहिए था लेकिन ये नहीं दिया है। 6 फिर 5 है, फिर प्लस का 4 है, फिर 3 है माइनस में है एक्स का पावर 3, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस का एक्स प्लस 1 है, तो यह कटा यह कटा यह कटा आपका 1 बच जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यह क्वेश्चन गलत दिया है, एक्चुअल में इसमें नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन